Hello, students. So we are studying about the vertebrates. So today's uh, our second division is Gnathostomata or jawed vertebrates. They may have three semicircular canals in their internal ear, and they are directly divided into superclasses, not in classes. So first they divided into superclass uh, Pisces, and second superclass is Tetrapoda.

ह्यूमंस की भी ग्रिल्सलेट्स दिख रही हैं ये सारी आपके एम्ब्रियो में दिख रही है तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है सो so, ये ग्रस्लिट्स एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में प्रेजेंट होती हैं देन फिशेज वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू मेक देयर एपियरेंस एंड टूडे दे आर स्टिल द लार्जेस्ट सफाइलम फ्रॉम विच ऑल अदर वर्टीब्रेड्स एवॉल्ड तो फिशेज से ही बाकी की जो दूसरी वर्टीब्रेड्स हैं उनका एवोल्यूशन हुआ है यू कैन सी यर द डेवलपमेंट ऑफ़ जौ फर्स्ट नंबर पर आप देखिए कि किस तरह से एंटीरियर गिल आर्चेज़ जो होते हैं वो जॉज़ में धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो रहे हैं सो so, एंटीरियर गिल आर्चेज़ के पीछे में गिल स्लिट्स नज़र आ रही हैं आपको ग्रीन कलर में ब्लू कलर में एंटीरियर गिल आर्च है एंड रेड कलर में आपको आ, यही एंटीरियर गिल आर्च जौ में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है सो so फर्स्ट के बाद सेकेंड स्टेप आप देखिए थोड़ा सा कर्व फॉर्म में हुआ देन थर्ड नंबर पे और ज़्यादा एंगल बढ़ गया फोर्टी फाइव डिग्री के अराउंड हो गया देन आप देखो कि फोर्थ नंबर पे प्रॉपर जॉ का डेवलपमेंट हो गया है सो so, सबसे पहले हम सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे सो दिस सुपर क्लास इज क्लासिफाइड इन थ्री क्लासेस क्लास वन इज़ प्लैकोडर्मी

सो कॉन्ड्रोज मीन्स कार्टिलेज होता है और एक्थिस वर्ड जो आ रहा है दैट इज फॉर फिशेज सो कार्टिलेजिनस फिशेज बोलते हैं कॉन्डिक्थिस को या फिर हम एलास्मो ब्रांक्स भी बो बोलते हैं इनको सो दे आर मोस्टली मराइन एंड दे रेंडोस्कलेटन इज कार्टिलेजिनस स्किन हैविंग प्लेकॉइड स्केल्स एंड गिल्सलेट्स नॉट कवर्ड बाई अपरकुलम सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गिल स्लिट्स नॉट कवर्ड विथ विथ ऑपरकुलम एंड पेल्विक फिन्स हैव क्लैस्पर्स इन मेल सो जितने भी एलैसम ब्रैंक्स होते हैं उनकी मेल्स में पेल्विक फिन में क्लैस्पर प्रेजेंट होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड अप्रॉक्सीमेटली सिक्स हंड्रेड स्पीसीज लिविंग स्पीसीज आर देयर इन कॉन्डेक्थिस एग्जाम्पल्स में स्कॉलिडॉन इसको कॉमनली डॉग फिश कहा जाता है एंड काइमेरा जिसको कि कॉमनली रेड फिश और घोस्ट फिश भी कहते हैं थर्ड सब क्लास पे आने ऑस्टिक्थिस है जिस पे आने से पहले हम आपको पहले कॉन्डिक्थिस के ऑर्डर्स आगे भी और हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं सो कार्टिलेजिनस फिश का आप स्ट्रक्चर देखो कि पहले आप इनके कॉर्डल फिन पे ध्यान दीजिए टेलफिन या फिन बात एक ही है तो आप देखिए कार्टिलेजिनस फिश में जो इनका टेलफिन है उसको हेट्रोसर्कल सर्कल क्यों बोला जाता है क्योंकि इक्वली डिवाइडेड नहीं है ऊपर की साइड में देखिए ज़्यादा लंबा है और नीचे की साइड में छोटा सा है ठीक है जबकि जितनी भी मॉडर्न बोनी फिशेज होती हैं उनकी कॉडल फिन हमेशा होमो सर्कल होता है तो जैसा ऊपर के तरह मतलब इसको इक्वली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है इसके अलावा आप कार्टिलेजिनस फिश की माउथ पर ध्यान दीजिए कि दे हैव वेंट्रल माउथ सो इसकोलियोडॉन का आप देखो नीचे वेंट्रल माउथ दिख रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ है मतलब डॉसल साइड से आपको माउथ दिखेगा ही नहीं और ये पूरा साइड तक आता है ओके जबकि मॉडर्न बोनी फिशेज में आप देखिए टर्मिनल माउथ है सो दीज आर द मेन डिफ्रेंसेज बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश इसके अलावा आप एक और फिगर देखो इसमें कार्टिलेजिनस फिशेज़ में Uh, आपकी शार्क्स स्केट्स रेस ये सब आ जाएंगी सो दीज आर यूजली स्ट्रीमलाइंट हंटर्स और प्रीडेटर्स एंड इसके अलावा दे डोंट हैव सिम स्विम ब्लैडर जबकि बोनी फिश में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है एंड दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हमने आपको मेल्स में क्लासफर होने की बात जो बताई दैट इज़ वाई दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक और कैरेक्टर इसका खास है कि दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू अ चाइल्ड सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है डायरेक्ट ये मतलब वी वी पैरिटी है इनमें देन ऑस्टिक्थिस में देख लीजिए रे फिंड फिश भी आ जाएंगी और लोब फिंड फिशेज भी आ जाएंगी रेफ इंड फिशेज का मतलब जिनमें इनकी कॉडल फिन या जो फिन्स होती हैं वो रेज होती हैं उनमें रेज होते हैं जबकि लोब फिंड फिशेज और एडवांस्ड हो गई लंग फिशेज में आ जाती हैं तो उनमें रेस नहीं होते बल्कि वो पूरी की पूरी जुड़ी हुई होती हैं दैट इज़ वाई दे आर नोन एज लोब फिंड फिशेस इसके अलावा आप ऑस्टिक्टिस का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिए कि जैसे मैंने कॉन्डिक्टिस में बताया कि देयर इज नो स्विम ब्लैडर जबकि ऑस्टिक्थिस या बोनी फिशेज में स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होती है सो so, आपको इसमें स्विम ब्लैडर ऊपर की तरफ देखिए प्रिमिटिव फिश का स्विम ब्लैडर है जो कि फैरिंग से अटैच है इन द सेम वे आप नीचे की तरफ देखिए मॉडर्न बोनी फिशेस जो होती हैं उनमें भी स्विम ब्लैडर बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है सो so, ज़रूरी नहीं है कि फैरिंग से ही जुड़ा हुआ हो किसी किसी में इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है ये स्विम ब्लैडर तो इट डिपेंड्स सो अब हम डिटेल में क्लास कॉन्डेक्टिस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें शार्क्स स्केट्स एंड रेज आती हैं सो so, एक चीज़ अब आएगी आगे जब मैं कैरेक्टर्स बताऊंगी स्पारकल वर्ड आएगा तो सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए कि ये होता क्या है व्हाट इज स्पार्कल तो आप इस फिगर में देख रहे हो आइस के जस्ट पीछे कुछ कट लाइक आपको नज़र आ रहा है दैट इज द स्पार्कल सो दीज आर द स्मॉल होल लाइक ओपनिंग

तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन तो होता नहीं है तो एज सच इनकी स्पायरिकल्स इनको ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं सो इट इज़ यूज एज अ वाटर पैसेज वे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस या ब्रेंकाई की लगभग सिक्स हंड्रेड लिविंग स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बताया है तो सबसे पहले हम इसको अगेन क्लास के बाद सब क्लास में डिवाइड करेंगे सो देयर इज़ टू सब क्लासेस सो फर्स्ट सब क्लास इज़ सिलाची सो सिलाची यूजुअली इसमें शार्क्स आती हैं सो दे हैव मल्टीपल गिल स्लिट्स सिलाची में दे uh, ज़्यादातर गिल जो होते हैं वो मल्टीपल नंबर्स में होते हैं दोनों ऑन आइदर साइड मतलब दोनों ही साइड में होते हैं ग्रिलस्लिट्स लेटरल साइड इधर और उधर लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय इंडिविजुअल स्किन फ्लैप्स आई स्पैरकल बिहाइंड ईच आई हमेशा एक स्पायरिकल दोनों आईज के पीछे प्रेजेंट होता है एंड क्लोइका इज आल्सो प्रेजेंट क्लोइका जो है ये एक्सक्रीटरी यूरोनोजेनाइटल सिस्टम इन सब की ओपनिंग यहीं पर क्लोइका में एक साथ होती है कंबाइंडली सो दैट प्लेस इज नोन एज क्लोएका इसका फर्स्ट ऑर्डर है स्क्वेलीफॉमिस और प्ल्यूरोट्रिमाटा ट्रिमाटा सो प्ल्यूरो वर्ड जो आ रहा है दैट मीन्स साइड साइड ओपनिंग सो बॉडी इज टिपिकली स्पिंडल शेप्ड और इस स्ट्रीम लाइंड भी आप कह सकते हो दे हैव गेसलेट्स लैटरल फाइव टू सेवन पेयर्स सो इस्पैरिकल आर इस्मॉल तो प्लेरोटर्माटा में इस्पैरिकल्स स्मॉल होते हैं एंड पेक्टोरल फेंस मॉडरेट यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं सो बेस से ये इसके अलावा बेस पे ये कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं एंड टेल हैट्रो सर्कल तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक ब्रांच्स का है ही मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कार्टिलेजिनस uh, फिशेज़ में टेल जो है वो हेटरो सर्कल होती है बराबर नहीं होती उसको इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता है सो लगभग टू फिफ्टी लिविंग स्पीसीज़ हैं एग्जाम्पल्स में डॉग फिशज़ हैं यानी कि स्कॉलियोडॉन एंड uh, इसके अलावा स्पाइनी डॉग फिश भी होती हैं जिसको हम इस्क्वेलस बोलते हैं इसके अलावा ज़ेब्रा शार्क भी होता है स्टेगोस्टोमा बोलते हैं हैमर हेडेड यानी कि स्फायरना भी इसी में आएगा इसके अलावा वेल शार्क यानी कि तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्ल्यूरोट्रिमाटा ट्रिमाटा ऑर्डर ट्रि ट्रिमाटा आप फिगर भी देख लो इस एक शार्क का एग्जाम्पल है इसमें नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्डर दैट इज़ रेजी और हाइपोट्रिमाटा तो हाइपोवर्ट का मतलब क्या होता है बिलो यानी कि नीचे साइड में उधर प्लीरो जो था वो साइड में था टर्मिनल था दिस वन इज बिलो यानी कि वेंट्रल साइड में ओके तो वेंट्रल ओपनिंग होती है सो बॉडी डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड का मतलब फ्लैट एंड होती है एंड डॉर्सो मतलब दीज आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड एंड गिल्सलेट्स वेंट्रल ओनली फाइव पेयर्स तो ये जो ओपनिंग की बात मैं आपको बता रही हूँ ये गिल्सलेट्स की ओपनिंग की बात हो रही है कि वेंट्रल होती है यानी कि नीचे के साइड में तभी इस ऑर्डर का नाम है हाइपोट्रिमाटा और उधर ऑर्डर का नाम था फर्स्ट ऑर्डर वॉज प्लूरो ट्रिमाटा क्योंकि उनकी गिल ओपनिंग जो थी वो साइड्स में थी सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू ऑर्डर्स यहाँ पर पेक्टोरल फिंस बहुत बड़ी होती हैं इन लार्ज होती हैं फ्यूज होती हैं फ्यूज टू द साइड ऑफ द हैड एंड बॉडी एंड इसके अलावा इनके इस्पारकल्स लार्ज होते हैं एंड दे आर हाईली फंक्शनल तो रेज चू कि प्रिडेटरी होती हैं दैट इज़ वाई इनके इस्पारिकल्स लार्ज होते हैं वो छुप के बैठी रहती हैं शिकार करने के लिए सो so इनके इस्पारकल्स हाईली फंक्शनल भी होते हैं अबाउट थ्री हंड्रेड स्पीसीज आर देयर स्केट्स में राजा है स्टिंग रे यानी कि ट्राइगॉन इलेक्ट्रिक रे यानी टॉर्पिडो ईगल रे यानी कि माइलियो बैटस गिटार फिश दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइनो बैटस एंड गिटार जैसी दिखने में होती है दैट इज वाई राइनो बैटस को हम गिटार फिश बोलते हैं एंड फिश यानी कि प्रेस्टिम आरी सो दीज आर द फिगर्स ऑफ रेज एंड स्केट्स तो फ़र्क आपको मैंने पिछली बार बता ही दिया था कि रेस की टेल जो होती है बहुत लंबी होती, होती है और स्टिंगिंग होती है जबकि स्केट्स की बहुत लंबी टेल नहीं होती है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट सब क्लास होलो सिफैली तो होलो होलोस मींस मीन्स पूरा का पूरा एंटायर सो एंटायर हेड इनका जो है वो बोनी होता है दैट इज़ वाई दे आर नोन एज होलो सिफैली सो सिंगल गिल ओपनिंग ऑन आइदर साइड कवर्ड बाय अ फ्लैशी ऑपरकम तो सिंगल गिल ओपनिंग याद रखना होगा आपको कि केवल एक ही गिल ओपनिंग होती है दोनों साइड में एंड डैट गिल ओपनिंग विल बी कवर्ड बाई अ फ्लैशी ओपरकुलम बोनी ऑपरकुलम नहीं फ्लैशी ऑपरकुलम सो so, ये ऑपरकुलम जो है दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांस्ड फिशेज और मॉडर्न फिशेज़ तो मॉडर्न फिशेज में बोनी फिशेज आ जाएंगी तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास कॉन्डिक्टिस के बाद हम आपको ऑस्टिक्टिस पढ़ाएंगे तो उसमें ऑपरकुलम आएगा तो आप देखो कि ऑपरकुलम की शुरुआत यहाँ सब दूसरी सब क्लास होलो से ही हो गई है बट दिस ओपरकुलम इज़ फ्लैशी नॉट बोनी ओके इसके अलावा सेकेंड डिफरेंस क्या है होलोसिफैली में देर इज़ नो एनी स्पैारकल नो एनी क्लोएका एंड नो एनी स्केल्स तो स्केल्स तो खैर फिशेज मतलब प्लेकॉइड स्केल स्कॉलोडॉन में मैंने आपको बताया और बोनी फिशेज में साइक्लोइड, टिनोइड ये सब होते हैं सो so, होलोसिफैली में स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं क्लोएका भी प्रेजेंट नहीं होता और स्पारकल भी प्रेजेंट नहीं होता जॉज विथ टूथ प्लेट्स अब आप देखिए एक और एडवांस कैरेक्टर जॉज विथ टूथ प्लेट्स तो दिस टूथ प्लेट्स आर बोनी एक्चुअली सो इनका ओरिजिन जो है वो बोनी होता है कार्टिलेजिनस नहीं होता है सो यहाँ पर बोन्स की भी स्टार्ट होगी ठीक है एंड सिंगल नेज़ल ओपनिंग ये भी आपको याद रखना होगा कि इनकी नेजल ओपनिंग सिंगल होती उधर क्या थी हमने स्पेरिकल स्पेयर्ड फॉर्म में बताया था कि दोनों आइस के पीछे होती है है ना तो यहाँ पर आ, 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 सिंगल नेज़ल ओपनिंग है लेटरल लाइन सिस्टम विथ ओपन ग्रूव तो इसमें आप आ, ये भी कैरेक्टर जो है ये एडवांस या मॉडर्न फिशेज या बोनी फिश का है कि उनमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है तो इसकी भी शुरुआत होलो सिप्या से ही हो गई है कि लेटरल लाइन सिस्टम विथ ओपन ग्रूव छोटे छोटे से ग्रूव होते हैं पूरा हेड से ले टेल तक लेटरल लाइन सिस्टम होता है इसको हम एक कॉस्टिको लेटर सिस्टम भी कहते हैं जो कि ऑडिटरी डिवाइसेस के फॉर्म में होता है बॉडी की का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए भी होता है सो इसमें एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपके रैड फिशेस या कायमराज तो लगभग ट्वेंटी फाइव स्पीसीज प्रजेंट है तो काइमेरा को हाइड्रोलैगस भी बोला जाता है सो so, आप यहाँ पर देख लीजिए काइमेरा को रेड फिश और घोस्ट फिश और हाइड्रोलैगस तीनों नाम आपको बता दिया इसमें आपको इसका हेड रीज़न जो है कैसा दिख रहा है बिल्कुल रेड जैसा दिख रहा है एंड दैट इज़ बोनी और पीछे की तरफ रेड का टेल जैसे होता है ना पतली सी लंबी सी पूछ वो भी दिख रही है आपको सो so, इसकी जो बोनी सॉरी इसके जो टीथ होते हैं वो बोनी होते हैं मतलब टीथ प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं okay thank you this is all about today so next we will start we will study about the uh, next class of super class spices that is ostichthis or bony fishes or modern fishes thank you